शब्द सुरभि स्थिरो शिव सत्पति महेश और माया सत्पतिवता जगत श्री गिरिदास महेश और माता जी सरती अति अमृत ने श्री दरबार साहब तीसरे उदार साढ़े इष्ट देव शन साहब श्री सतगुरु ग्रंथ साहब की गोली वाले महेश्वर माता जी परम पूजनीय परमात्मनीय मेरे गुरुदेव स्वामी संतराम माता जी मेरे गुरुदेव स्वामी चरणदास चरण जी महाराज सतगुरु महेश्वर महाराज के दरबार राजमान गुरु प्यारे इतने सज्जन सतगुरु महेश्वर महाराज जी के समागम दूसरे जन्म के लोग पाठ कर मध्य लोग लग गए हम सभी शरीर सारे मध्य देखो के सतगुरु जी भी अमृत बनाए दरगाह को पहुँच चुके हैं मध्य के होते रविंद्र नाथ जी साहब जी के अवकाश मंदिर तथा सत्संग जो है प्रारंभ हो रहा है। इस बीच पूरे दरबार सिर्फ पंडाल के हलवाइया के नाम कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं। इस अलावा सभी साहब के दरबार में पहुंच के नंदावल प्रणाम करते हुए सतगुरु जी गरीबदास महाराज जी की अमृत ने रचना को जो वचन सतगुरु प्रेम सुखबीर साहब महाराज के प्रति चाहते हुए हैं उन्होंने कुछ जिक्र जो है सरपण करो बोलिए बंदीशोर महाराज की जय। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी सांतराम महाराज जी परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी पूजनीय गुरुदेव संत अमरनाथ महाराज जी जो मैंने उपदेश बख्शिश किया है उस उपदेश का सारे कोई मैं उन्होंने मुख तो सुनता दे रहा हाँ कि सतगुरु कबीर साहब महाराज जी गरीबदास महाराज जी हैं सतगुरु गरीबदास महाराज जी होली वाले ब्रह्म सागर महाराज जी हैं बार बार सानू संतान दानों वास्ते संसार में सतगुरु जी अवतार लेके आए सतगुरु कबीर साहब महाराज का अवतार बड़ा विलक्षण है देखने मात्र का ये शरीर है 120 साल तक उस पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर ने एक इंसान का रूप धारण करके इंसान के रूप के ना का सतगुरु जी जन्म के आए ना मन के आए जन्म मन दोनों में ना ही ना मेरा जन्म ना गर्व बसेरा
बालक को बुलाए गए। काशी नगर जंगल में डेरा कहाँ जोड़े को पाए, अपनी सही रूप से भी जानकारी सबको देने अपने स्वरूप की कोशिश की है। ना गर्व के पास है साडा ना जन्म है। जंगल विचों जो समय काशी का जंगल था बहुत बड़ा एक तालाब था, कई किलिया के बीच फैलिया होया था, जिसनों लहर तारा तालाब कहते हैं। उस जगह कमल को पुष्प के सतगुरु जी पड़े हुए। सतगुरु जी गृहस्थ जीवन में नहीं सन, ना उन्होंने ब्याह शादी के कोई सिलसिले सन, ना उन्होंने धीया पुत्र सन। सतगुरु जी संसार सही मार्ग भक्ति का दर्शन वास्ते संसार में आए सन, जिस विच किसी न कोई शंका ना रहे, किसी न कोई पर्व ना रहे, सच्चे सुखी ईश्वर की भक्ति करते हुए इस बात का परमेश्वर के नाम में ज्ञान, इसलिए उस मार्ग का अवतार इस सृष्टि में होया। कहे कबीर हम दुर्गे गद्दी लियाए हुकम से जुड़िए, उस हजूर दे उस हजूर दे तेज पुंज विचों प्रगट हो के सतगुरु कबीर साहब आया। उस हजूर का उस मेहरबान का उस मेहरा दे दाते सतगुरु का शहर का हुक्म लेके 120 साल तक देख रहा करते रहे शरीर का। उस जीवन के स्वर्गीय सतगुरु जी कहते हैं मात पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे ग्रहदासी दुल्हन का सुखान करा कराया जग कराया। अपने असली स्वरूप में सतगुरु जी इस बाणी में प्रकट करते हैं। ये शब्द बड़ी अच्छी शानदार शब्द है, इसलिए सतगुरु जी ने अपना असली रूप ज्ञान किया। असल साढ़े को माता पिता नहीं हैं जिन्हें पेट को जन्म लिया, ना साढ़े घर कोई दासी का पत्नी है, दुल्हा का सुधान पर आया एक गरीब दुल्हा मुसलमान जुलाहा पूरा सुख आके सिखाए हैं। जान बुझ के इस संसार के हंसी ऐसी अपनी प्यारी है। हम पत अपनी पत कोई हमारे खोज बड़ो मन को उस परम परमात्मा संसार की स्थिति नाल संसार के जस नाल संसार की निंदा नाल कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार रोता है कि हसता है कि जस करता है कि गाल करता है, ये उस मालिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान मजाई दुख करते जगत कराई हंसी धरती वगैरह नहीं कुछ मेरे सूझे कमा पारा। इस धरती की असली असी नहीं रहते, ना साढ़े को आकाश है। सत स्वरूपी नाम साहेब परसो है नाम का, जो सतगुरु सत पुरुष का नाम है वही साडा नाम है। अगर दीप ने गगन को मांगे इंसान ने वास मारा जिसे सदा वासा है, तो कोई अदर दीप होगा कोई इस तरह का सिलसिला जरा उसे कोई नहीं है। दो स्वरूपी मरुख निरंजन करते नाम जो निरंजन पुरुष है जिसमें दो स्वरूपी कहा जाता है, निरंकार कहा जाता है, वो भी साधा नाम करते हैं।
आठ चांद लोहू ने मेरे सपना बस न सड़क पद है न चंद है न लोहू है इन्हें चीजें ने मिश्रण और शरीर बनया है न हट है न चंद है न लोहू सतनाम असी कारण कर अवय पदार्था कहे कबीर अविनाशी आप करे हुए दुनिया को धारण वाले आप मुक्त है कारण करण उसमें पहले हैं जरा आप मुक्त है दूसरे में मुक्त कर रहा है मुक्त कर भी समझता है कारण करण अवय पदार्था संसार में जिसको विस्तृत नहीं है कहे कबीर अविनाशी सा महाराज अविनाशी को सुन कभी भी नाश नहीं उन्होंने शिष्य रोई काशी जंगल तो बाहर एक महान पुरुषा ने शिष्य जड़ी के दरिया के गंगा के बच्चों लोई भी चिलपेटी हुई किसी ने गंगा को बहा दी उन्होंने महान पुरुषा ने उस हड़ी आंगी लोही पकड़िया के बच्चों बच्चा निकलिया उसका नाम लोई रखिया वही लोई जो महापुरुष श्री शरण लगे तो महाराज देखा हूँ संसार को तो बिना कौन है कहने लगे कि साहब का पूर्ण अवतार काशी में होना है जब वहाँ के भक्त मन के डूंगा रखिया सन महापुरुषा ने काशी तो पार जंगल जब महापुरुष का दुख तो आगे गौदी मन में पीट गए उसमें समझ नहीं गया कि वो तार है उसका उसके नाम लगा उसी तरह कुछ ऐसे बात सदगुरु बारिश को देख गए और उन्होंने उस देवी तो गौरव वास्ते इच्छा की थी तो उस देवी ने महान पुरुषों ने जो शिष्य की उसने दुख पढ़ाया और उन्हें गुरु जी भविष्यवाणी दसी सतगुरु जी के नाल लोई शिष्य सतगुरु जी के नाल ही सतगुरु जी की कुटिया के बच्चे आ गए जी देखा पहले कबीर चौदह नाम के नाम से इसी तरह एक दफा एक बच्चा नदी के बच्चों खड़िया आ रहा है कन्न लोधी बादशाह शिवपति और अहकार किनारे पे खड़े हैं वीर साहब खड़े हैं बच्चा हरे आ रहे तो शिवपति कह लगे राजे को एक वीर साहब कहो के बच्चे को अर्धे दिन जीत करके सतगुरु कबीर साहब महाराज ने इशारा किया बच्चे एक नाम से कर दिया हरे हो गया बच्चा हरे आ गया था सतगुरु जी ने उसमें प्यार दिया जल शिक्षा दिया अपना एक मतलब बच्चा जीवित हो गया तो सिकंदर बादशाह कहने लगा कि ऐ पीर कबीर आपने कमाल कर दिया सतगुरु जी कहने के साथ जरा नाम कमाल हो गया घर के बाद बच्चा सतगुरु के नाम हो गया इसी तरह देवी की महिला के बिच शेर करके ये नंबर से शाही पीर था उसकी बेटी
might be, examine my will. उसको 18 मतलब बना देता गया क्योंकि एज चेक करके जरा जो बार बार संतुरा दे चमत्कार लेके परीक्षा कर दिया बार बार उन्होंने परीक्षा दी होने को लिया राजे ने कहने लगा कि राजे मेरी कोई बेटी थी वो मर्दिन है बादशाह कभी न बुलाओ जे वो बेटी नो मेरे में जीवित करते हुए मरी हुई नो मेरा दरिया में खड़े आना बच्चा का हो सकता हो अंदरों पूरी आत्मा जीवित हो गए और जीना नहीं जीना भी सामने कोई बड़ा बात नहीं है मेरी बच्चियों ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ ਮਰੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤ ਮਾਰੀ ਐ ਸ਼ੇਖ ਕਰਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ ਐ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬਰ ਕੱਟ ਗਈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪਤੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਮਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੋਕਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਪਤਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜੱਟ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੂਰੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੂਸਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਗਏ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘਰ
आदि पिता विश्व विशेष अनुसार बाणी की ऐसी रचना की कहता बड़ा किसी भी महान पुरुष की इन्नी विस्तार बाणी का उच्चारण नहीं देखा गया है। हिंदुस्तान एडा बड़ा ग्रंथ एक ही महान पुरुषों द्वारा उच्चारण हो गया 300 साल हो गए। अज भी इस कृष्टि को लोग दुनिया उठे जाके उसका मस्तक फिर तीसरे अवतार में सतगुरु जी पिछले वंश अनुतारते हुए उस बाणी को प्रकट करते हैं क्योंकि कबीर साहब महाराज के समय एक ऐसा बड़ा अंदोलन सतगुरु जी ने भगती का चलाया था जिद हिंदुस्तान के सम्राट के नाम भी टक्कर हुई सम्राट के गुरु नाम भी टक्कर हुई धर्म गुरु गुरु ब्रह्मानंद नाम भी वास्ता पाया। छोटे मोटे की बात नहीं है सब तो बड़े हिंदुस्तान है जो बादशाह मालक है उसके नाल टक्कर ऐसा महान अवतार सतगुरु वीर सिंह महाराज का है। कल मैं सतगुरु जी की लीला बंदेश्वर महाराज गरीब दास करके की वाणी के मुताबिक उच्चारण कर लिया था कि जदों बहुत दफा मरवाण के यत्न किए गए बहुत कुछ किया गया बाणी में बहुत लंबा आता है मैं थोड़ा संक्षेप में दस रहा हाँ जे सही लगता देख लेना हो नहीं ही सतगुरों की मैं कथा पूरी करनी चाहता हाँ जो सही रूप से कथा का उच्चारण करना हो 7 दिन के पहले कबीर साहब जी की भी कथा पूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं दस रहा था कि हाथी के मोहे सतगुरु जी ने निजी ने मन के सिर दिता वो हाथी को मोहरे कबीर साहब के रूप में कबीर साहब जी की जगह एक शेर दिखाई दे रहा है प्रखार शेर दिखाई दे रहा है महावत अंकुश मारना पाया मार देने वास्ते लगाने वास्ते कोई शिकाला लेकर हाथी चीकम मारना बेचन पैदा क्या बात है बड़े हैरान हैं आखिर पीलवान और बादशाह वो दोनों भी वही रूप दिखाई देने लग गया सिर्फ पीलो नहीं पीलवान भी और बादशाह सिकंदर वो रूप जिरा के संसार सुरेंद्र का भयानक रूप था वो दिखाई देता है इसलिए वो नतमस्तक हो गया। तो बादशाह अगले दिन सवेरे अपने कंधे पर कुहारा लेके सिर पर लकड़ा का पान लेके मुँह में घा की टंकी लेके एक गरीब राजा बन के सतगुरु जी की कुटिया में पहुँचता है शिमला मंदिर है ये अल्लाह ताला दे रूप मैनू बख्शदा है मैं अपने दीन इस्लाम की सर जड़ी है उस मजबूर होकर अपनी बार बार छोड़ जो तो ऐसा राजा ने उस समय काजी गुलाम पीर शेख करी सभी बहुत दुखी हो रहे थे देखो साडा इस्लाम साडा दीन कैसा नष्ट हो रहा है कि काफर काफर फकीर के मगर राजा पूरे जंगा जाके नमस्कार करता उधर पंडित लोग जोड़े हैं
ਕਮਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਜੀ ਪੰਡਿਤ ਉੱਠਿਆ ਅੰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਅਟਲ ਕਹੇ ਸੁਖਿਆ ਵੀ ਜੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜੰਤੂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਿਡਰੀ ਦੌਰ ਸਨ ਅਮਨ ਹਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੈਸੇ ਤੁਮੇ ਬਿਦਰੇ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕ ਦੇਖ ਬਿਡਰੇ ਦੇਖ ਵੇਖ ਦਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਡਰੇ ਬੇਕ ਬੇਕ ਅਜੇ ਚਾਰ ਚਲੇ ਸਭ ਸੋਚ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਬਿਦਰੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੋਈ ਚਲੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦਾਵਨ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸੂਰਤ ਕੀ ਕੋਈ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵ ਸਿਮਟ ਭੇਗ ਇਕੱਠਾ ਹੁਆ ਕਾਜੀ ਪੰਡਿਤ ਮਾਨੀ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਚੱਠਾ ਫਿਰਿਆ ਜੱਗੂ ਦੀਪ ਸਰਖਾਨੀ ਮਸਰਤ ਕਰੀ ਮਿਲਾਪ ਸੇ ਜੀਵਨ ਜਨ ਖੁਸ਼ ਨਾਨੀ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮੇਲਾ ਸੇ ਬੇਗ ਸੇਤਵੰਦ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਗੜ ਗਿਰਨਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਤ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਓ, ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਦਰੀ, ਗਰੋਥ, ਗੰਗਾ ਔਰ ਕਗਾਰ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਭੇ ਨਾਗ ਸਮਿਤੀ ਸਮਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਥਲ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਨਾਥ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਐਸਾ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੰਡੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਹਨੁਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 9 ਲੱਖ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਏ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਰਹਿਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਕਬੀਰਾ ਪਾਸ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕਹੇ ਚਮਰਾ ਕਹੇ ਸੁਣਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਪਾਸ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੇ ਬਦਨ ਕਬੀਰ ਤਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਗੁਲਾ ਕੇ ਗਾਏ ਤਨੀ ਸਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖ ਕਿੱਥਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਲਾਏ ਤਾਰ ਲਓ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੁਲਹਾ ਗਿਆ ਅਗਪੁਰੀ ਨੇ ਛਾਇਆ, ਅਗਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਸੰਤ ਸੰਖ ਹੈ ਮੰਜਾ ਦੇ ਔਰ ਬੈਲ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਅਗਪੁਰੀ ਹੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਪੋਸਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ੂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭੰਡਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਪਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਦਰੀ ਕਹਿਣੇ ਹਰ ਘਰ ਸੀਧਾ ਦੇਤ ਹੈ, ਗੋਡੀ ਗੋਡੀ ਗੋਡ ਬਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾ ਸੀਧਾ ਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਥਾ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਮਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੇਸ ਅਲੇਖ ਗੁਲਾਮ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੈਸੇ ਚਲ ਕੋ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਕੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮੋਹਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਤਾਨਾ ਧਰਮ ਦੇਵ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤਦ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ
अल्प बीज और वाहे गरीब दास का जोड़ना ऐसे कहता शाह शाह कहना महाराज ऐसा नहीं है किसी अल्लाह रूप हो तुम दयाल दरवेश हो तारा आए न रूप गरीब दास ऐसे कहने बात सुनते हैं प्रभु साहब महाराज रैदास जी को नाल लेके बादशाह एक हाथी दे बैठा के तीन एक चंडोल में रैदास शाह कबीर गरीब दास चौरा करे बादशाह कबीर चौरा करता गया बादशाह उन्होंने नाल लेके उठे आया अगे केशव कहे कबीर से कबीर गरीब दास मिला दे चौपड़ के बाजार में आए केशव पास गरीब दास भगवान को क्या प्रदेशोर महाराज ने जो कथा लिखी है बड़ी विलक्षण है बहुत विलक्षण है हर एक लैंड ले लीजिए इस तरह के स्वाद विवाद हो रहे हैं बादशाह के नाम आठ नंबर विश्वे ऊपर हीरे लाल गरीब दास साहेब धनी जाए मुक्ता माल इस तरह का आपने देखा उसे इन्ना धन बड़ा रुपया है प्रियंती हुई केशव कहते कबीर से पूछ बातें भी गरीब दास पौतरे ऐसे मुल्क मिली कहने इदा के मुल्क के बीच उतरे के सत लोग तो आगे कैसे कैसे लोग हैं तो सतगुरु जी केशव को बना दे रहे हैं बहुत तरह कह रहे हैं कि ऐसा बड़ा बड़ा लोग इस लोग जो उसमें आए हो और ये कैसे लोग हैं बार बार अपनी परीक्षा ले रहे हैं धन कबीर कुरबान जहाँ ऐसी रहन गरीब दास केशव कहे ईशान गीत संसार धन कबीर कुरबान जा पल पल चंद गरीब दास ने क्यों तजे हीरे लाल ये मौमी है ईशान की मधुर रसी पिंड गरीब दास केशव कहे स्तन करे सतगुरु जी कहते ये सारा संसार मुर्द के समान है इस मुर्द के समान संसार दे उसी क्या तो सतगुरु जी के कहते हैं हम है सुन स्नेहिया सुन केशव करता गरीब दास तुम चरण से हम उतरे कृपा बड़े चरणा की श्री गौर तक युग सत्तर हम ज्ञान दे जीव न समझा एक गरीब दास का कर दे तभी कभी सत्तर युग बीत गए इसे तरह सानू आते जाते हैं बहुत लंबी वार्ता है सतगुरु जी कहते हमारी जात पूर्वी गुरु रैन हमार गरीब दास कैसे बुरे पश्चिम के पश्चिम के लोग हैं असि पूर्व के रहने वाले हम हैं पूर्व खेत के उतरे रोजगार गरीब दास जी दक्षिण के जो नहीं बिजली सार ये बहुत लंबी वार्ता है लेकिन केशव को मान देना सतगुरु जी कहते मैं इस संसार विच इस प्राणियों का हित करके मैं इन्होंने तारण वास्ते आया मैं इन्होंने तारण वास्ते आया सुन सतगुरु तो से तुम हो दीन दयाल गरीब दास दीन में तुम सारे अवतार पूर्ण ब्रह्म कृपान का सुन केशव करतार गरीब दास कोई दीन की रखे सतगुरु जी ने केशव के केशव के नाल वार्ता कर दिया ने यह श्लोक प्यार किया था जरा भाई संतरा महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने साढ़े रामपुर वास्ते इस श्लोक न हर पाठ के संकट में कंपलसरी जरूरी किया है
भी मानता है। आखिर केशव जी कहने लगे अनंत कोट ब्रह्मंड में, अनंत कोट ब्रह्मंड को त्याग कर लगे न बार, गरीब दास केशव कह तुम ही दान कर, तुम देने लगते तो ये सारे ब्रह्मंडा उतार सकते हो, सबदे जन्मबंध कट सकते हो, तुम ही दारोदार हो। यहाँ कल्पने इच्छ गरीब दास केशव कह तो सतगुरु जी केशव के नाम एक तंबू जन एक बात करता रहे। वार्ता होने तो बाद पता नहीं लग्या सारा भंडारा संपूर्ण हो गया, धन धन सारे संसार में हो रही है। केशव चले तो धाम को नौलख कोटी दीन, गरीब दास बंधन किया बाइक है सुरदीन, केशव और कबीर युद्ध मित्र बने थे। इस तंबू दे केशव और कबीर मिलकर दोनों का एक बन गया, कबीर बन गया। गरीब दास संतोष में सभी समाना देख बन जा रहे और बैल सब केशव कला कमाल, गरीब दास संतोष में लीन रहे। आवत जाते ना लगे ना किसी माया का पता, इधरों आए इन्हें बैल राशन लगे, आवत जाते ना लगे कौन धाम प्रकाश, गरीब दास भूल है कहाँ गए हरिदास, में हर के दास है दास के हरि पास, गरीब दास अगर गति शांत के उदास। जब ऐसी भी लग गई सब महारानी देखी तो शांत की और उदास हो गया, और उदास हो गया तो क्यों रावदा उधर जरा बड़ा अवदल था बादशाह का शाही पीर था, उस शाही पीर की कटाव हो रहा था, अपने आप का घटा समझे सतगुरु घटा नहीं कर रहे थे लेकिन अपने आप में वो समझा था कि हिंदुस्तान के रूप में कोई बड़ा और कोई गुरु पीर नहीं है। जिस समय ऐसा हो लिया तो सतगुरु जी अपने निवास कर रहे हैं, पीर के कहते बादशाह ने कहा कि अच्छा बादशाह जो एक पीर पीर है पर पीर है पीर है हिंदू है ब्राह्मण है कश्मीरी है इसमें किसी अलग रूप मानते हो, इसमें कहो दो तीन छकड़े डटे जो पढ़ के काम जो व्याकुल अमर रख लो थोड़ी करा मार देखिए जो पानी बोलता है थोड़ी करा मार देखिए कि कितनी करा मार है। तीन गड्ढे भरे हुए बादशाह ने कहने के कबीर शाह महाराज ने कबीर मोटर लिया के खड़े कर देते, बादशाह नाल आ गया कह लगे है अल्लाह के रूप मैं थोड़ा अल्लाह का रूप मनूंगा, किसी ढाई घड़िया के तिने गड्ढे भरे हुए फिल्मों के कागजा के ढाई घड़िया के अपनी बाणी लिख दो, बाणी ढाई घड़िया में लिख दो ताकि मेरे शंका दूर हो जाए। सतगुरु जी कहते साड़ी बार बार अगर प्रेशर क्यों ले रहे हो, बादशाह नहीं मानता। आखिर सतगुरु जी ने कहा कि ढाई घड़िया बहुत हैं, साढ़े पास कोई कलम नहीं कोई दवात नहीं असं कुछ पढ़े नहीं कोई इलम नहीं जानते, लेकिन बादशाह अच्छा तेरी ऐसी इच्छा है तो सतगुरु जी ने एक छड़ी लैके तिना गड्डिया तुम्हारे की
ये लोग बहुत पाँच पाँच दस दस पॉइंट आगे लगे हुए थे। कितना देर तक अपने हंसना श्री को मान लेती बादशाह फ्रेंड भी खोल खोल कर देख रहे हैं, सब जगह बाणी लगी हुई है। जब खोल के देख रहा है तब बाणी लिखी हुई है, आचंदा की मस्तक हो गया। एक शेख तक की जरा था वो तन मन आग लग गई इस जीव के पार विच कुछ ना हो गए। अहंकारी जीव के पास कोई भी प्रभु की भक्ति नहीं आती कि है। ऐसा भी हो गया कि ताई पलाने के लिए ताई गड्ढे ले लो, पर ये जीव बात है देखते बादशाह नतमस्तक हो गए। अल्लाह का रूप मंदिर मनो अबादत करके मंदिरी करके सलाम करके चला गया। बोल जाए पसनिया जीवन चित्र के आने के बोल जाए बाद सबको दिनों उन्होंने परीक्षा के लिए पाया। बोल जाए तो बाद उन्होंने तो जबरन ये चमत्कार कराए, अगर वे सतगुरु को पूजा करना नहीं चाहते थे। सारे हिंदुस्तान के लिए इस बात की महिमा फैल गई, बहुत दुनिया सतगुरु जी की सेवक बन गई, बहुत ही दुनिया जड़ी है ब्राह्मणा तक सभी सतगुरु जी के चरण बना नमस्कार कर लगे थे। जैसा इस हिंदुस्तान के ऐसी शक्तिशाली आत्मा आज तक नहीं देखी। तो सतगुरु जी दसते हैं कि चार नहीं बहुत पूरी दुनिया के घूम के उन्होंने जिदा गुरु नानक देव जी ने चार दसें कितिया बहुत दूर दूर रखे। इसी तरह कबीर साहबान सारे देशों के घूमते रहे और धर्मदास जी ने भी चिताया। लेकिन मैं विस्तार में नहीं संक्षेप में कहता हूँ कि सतगुरु जी की जब बहुत बड़ी छाती फैल गई बादशाह सिकंदर के चरणों में पै गया। शेख तक की कभी ना चली तो सतगुरु जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लैन वास्ते एक ऐसा रूप धारण किया कि बड़ा का बड़ा जागरूक रैदास ना लेके एक बेसवा उस काशी कबीले जिसमें लोग जाते हैं समझते सन उसमें ना ले लिया, उसका भी उद्धार करना था। इन्हें लैके एक बोतल के बीच रंग पा के पीते हुए पेश करके गल में रंग पाया हुआ चुनते हुए बाजार में निकलना था। अपने सारे जिन्हें शिष्य काशी में लागे लागे जिन्हें थे उसी एरिए जिन्हों से अंतर दुखी कहते हैं 64 लाख शिशु समय कट्ठे हुए। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारे देश विचों सेवक गुरुआ ने कट्ठे किए थे 40,000 कट्ठे हुए थे आनंदपुर साहब में विसाखी पर। कबीर साहब महाराज के समय ऐसा उन्होंने इकट्ठ किया अपने शिष्या का 64 लाख शिष्य सतगुरु जी का नाम लेवा इकट्ठे हुए। सारे कहते साढ़े मगर मगर असी शहर में जलूस कढ़ना है, असी शहर में चलना है, साढ़े मगर चलो जो साढ़े शिष्य
ਚੌਂਹਠ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਲ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦਸ ਭਗਤੀ ਜਲਾਲੇ ਕਿੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਡਰਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ 29 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 29 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਦਸ ਭਗਤੀ ਜੁਲਾਹੇ ਕਿੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਘਰ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਪੇੜ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲੂਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। 64 ਲੱਖ ਰੱਖ ਗਏ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ, 64 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਅਰਜਨ ਔਰ ਸੁਰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਜਨ ਸੁਰਜੇ 119 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 119 ਸਾਲ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਥਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸ਼ੰਕਾਬਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਕੋਈ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੌਲੀ 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 ਹਟਦੇ 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 ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਲਟ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਕੁਛ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਾਣਾ ਚੌਂਕ
kesaksian Raja Ontak, kesaksian Raja Ontak di sebuah penyikuan juga di pesara dan gemma bakre mesan kote de khari de lo bad de hai bej de hai ahi kuch hote ho ya jo chanda la la jo saiya la jo us tam mein pani ke rasi avastha mein ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਖੀਆਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰਚ ਕਰੇ ਮੁਸ਼ਕਾਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਪਟਵਾ ਪਟਵਾ ਸਭ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਿਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਸ ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਮਾਨ ਸਿਰਕਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡਾਲੀ ਦੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਸੁਖੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਸਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੌਂਹਟ ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਸੀ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੀ ਦੇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਸੰਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਅਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਬੱਕਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਾਸ ਵੱਢਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਊਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਸਰਵਤਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਾਦਨ ਦੇ ਕਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੂਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਰੁੱਖੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਖੇ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਗਧੇ ਕੀੜੀਆਂ ਪੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਸਭ ਸ਼ੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੰਮੇ ਨਿਤ ਮਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਸਰੀਰ, ਜਿਨ ਕਰ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਟਕਰ ਸੁਖੀਰ ਸੁਖੀਰ, ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਨ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਟੱਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਟੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਦਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ 3 ਗੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਤੱਕੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਣੀ 52 ਲੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, 52 ਲੱਖ ਬਾਣੀ ਜੋ ਦੀਵੀ ਡਬੋਏ ਡਬੋਤੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਣੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਾਰਿਆਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸਾ ਨਦ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਟੱਕੀ ਹਨ ਉਸ ਨਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹ ਘਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 70 ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸ਼ੇਖ ਟੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 70 ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੜ੍ਹੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੀਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੱਥ ਚਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। 70 ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੱਢਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੀ ਜਗਤ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ।
उस समय जब 70 दफा उसने बाहर कर ले जोर जोर लग लिया, आखिर उसके हाथ पर तलवार गिर गई। बहुत डर लग गया कि कोई इंसान नहीं है, सिर्फ तकी देख रहा कि इंसान नहीं है, एक इंसान ने तो ऐसा हो ही था कि तो कोई बड़ी शक्ति है, अल्लाह ताला की शक्ति है, इंसान नहीं पता नहीं है। तलवार हाथ से उतर गई और मूर्छित होके गिर गया। तो एक सच में चला ताला है, एक महान शक्ति है जिसमें न तंग का गया। सतगुरु जी ने उस दीवान और खड़े अमर के फिर खड़ा कर देता मूर्छता पन हो गई। फिर बंदगी करता है कि महाराज है पीर जी मैंने बख्शो। सतगुरु कहते ऐसे कि तू क्यों डरता है, क्यों परेशान है, क्यों पैकी हो रहा है, असी तेरे को शराब नहीं दे, असी तेरे से नाराज नहीं हो, तू अगर साढ़े पर बहुत जुल्म करना चाहता है तो बहुत डर, तू बहुत कुछ शंका करी है तो जुल्म करता कर मानता मैनू बख्श। सतगुरु जी कह लगे तेन असं कोई शराब नहीं दे रहे, सू दुनिया के नाम चमकाया, दुनिया देख रही है कि क्या हो गया, तेरे वास्ते साढ़े पास कोई विराजगी नहीं, तेन कोई शराब नहीं। तेरा सिकंदर पातशाह जो वीर है, तेरी बदली वैसी बनी रही। तो उस समय सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं कि यह बादशाह हरी दे दास मालिक के दास के बीच होंगे और तो लग नहीं होंगे, हर कोई हर के दास है, दासन के जो पास जो उन्होंने दास है वो को होंगे और जो दास है वो हरी को अलग अलग पाते हैं। गरीब दास अगम गति उस अब अगम गति देखे शाह तकी उदास हो गया, गरीब दास बात अगम गति शाह तकी उदास। कबीर साहब ने बंदगी करके कह लगा चलो सिकंदर बादशाह तुम्हारे दीन बहाए, गरीब दास उस पीर के कर्म कर दिया, इन्ना कुछ देख के भी अंदर दुखी होया होया बादशाह कहता एक शहर कबीर का हमारे बहुत अनेक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है बादशाह, असी कान काशी में मत्था मारी जाना, इन्हों के शहर का बहुत है हिंदुस्तान के कबीर का एक काशी में रहता है। चलो सिकंदर बाद जेता शहर कबीर का हमारे बहुत अनेक गरीब दास शब्द की गए लगी जबान जबान जी है तो बोलिया नहीं जाता, गुम गया बोले नहीं जबान जबान, गरीब दास मारिया भरिया बिन सकता वो मान बिना किसी हथियार बिना तीर कमान तो मरिया जैसा हो गया। एक दोष करे कहाँ दर्द जीवी समान, गरीब दास सुनिए नहीं भूत द्वार विशेष जरा है ऐसा हो जो व्यापक हो गया ऐसा हो गया बोलने मुश्किल। ये
ये सिकंदर बादशाह शेख के बिना सतगुरु जी का प्रताप हो गया। अब कुछ 19 साल की आयु के कुछ सतगुरु जी ने ये वार्तालाप किया था, वही भविष्यवाणी सिकंदर सुल्तान ने कही। उन्हों का संकल्प था, सतगुरु जी ने कहा था कि दूसरे मुद्दे में आवेंगे, दूसरे अवतार में आवेंगे, इन्हों सारे सेवकों शिष्यों को दोबारा उतारेंगे, इन्हों दूसरी दुनिया में जान को बचा के फिर दोबारा इंसानी जमा देवे, उस इंसानी जमा के भक्ति का जुड़ा के 200 साल तो बाद ऐसा होगा। 1577 सतगुरु जी ने मगध के श्री त्यागया, मगध के चले गए सतगुरु जी, दुनिया सारी ही श्रद्धालु बन गई, क्या काजी है, क्या मुला है, क्या पंडित है, क्या अरु समाज है, हिंदू है, तुर्क है, कोई है, सतगुरु का श्रद्धालु बन गया। सतगुरु जी ने जाते जाते एक ऐसा बड़ा जरा शंका था दुनिया के बिच, एक ऐसा बड़ा भरम हमला किया हुआ था धर्म के आगुआ ने, उसनों भी दूर करना था, प्रभु की भक्ति में प्रकट करना था। मगध के दुनिया के धर्म के आगुआ ने रौला पाया, मगध की धरती में कोई ना मरे तो फिर मन बड़ा गड़ा बन गया। काशी तो 200 किलोमीटर दूर होते हैं गुरुपुर को, इसलिए दुनिया वो डरती हुई उस धर्म आगुआ के कहन सुनते दुनिया डरती हुई, मगर में कोई मरता नहीं था, जो भी मन पैरे हूँ तो काशी में चला जाता, जीता जीता ही अपना जो कुछ भी है लैके अपने धन पदार्थ जो भी दूर को है, मरना का ही दान पुन कर लीजिए। एक रूप बनाया हुआ था धर्म के आगुआ ने संस्था ने, जिसे वो दिख जाते सारे न कटोगे थे पहले जो धन पदार्थ था उन्होंने, इस तरह का सिलसिला भी चल रहा था। सतगुरु कबीर साहब महाराज ने काशी में जैसा उपदेश दे, लेकिन मगध वाला जरा है उस शंके को दूर करने की हिम्मत उस समय दे किसी भी धर्म आगू के पास नहीं। तो सतगुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि राम कबीर कुछ अंतर ना है, राम बिच और कबीर बिच कोई अंतर नहीं है। हाँ जी देने सुनते तक मगर हो गए समेत देही के मगर लीन हो गए, काम दल बस किया क्रोध के बस लिया, लोग और मोह के कार मारे, माया का मान गुमान भजन किया, धनी कबीर को मतर कारे, दुनिया का कोई भी विषय उतार हमारे नजदीक नहीं आ सकता, जिन्हें जोड़ा नहीं भी कर सकता उन्होंने भी सतगुरु जी ने तारिया। मगर में मरे, मगर में मरे सो गदहरा हो गए, दई तलाक लिख लोग पालक जेड़े उस समय के धर्म गुरु थे उन्होंने प्रमाण कटिया था सारे हिंदुस्तान के मगर में त्याग कोई ना मरे, मगर में मरे सो गदहरा हो गए, दई तलाक लिख लोग पालन परे तो शंख जो ब्रह्म की कल्प से गए जो लोग ही मगर की धरती के लार गिरे हैं, धरती अपने पवित्र है। शंकु राजा उल्टर लगे गया विश्वामित्र का शिष्या, विश्वामित्र जी को प्रसन्न करके बरले के भी प्रसिद्ध है सब लोग स्वर्ग लोग भेजो, विश्वामित्र जी बहुत तपस्वी उनके स्थिति के मालिक थे, विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर हाँ भर ली और दोनों अपने हाथ के इशारे नाल सीधा ही स्वर्ग लोग देवलोक को भेज दिया। देवलोक भी पहुंचे तो संसारी भी तुम्हारे शुद्ध भी नहीं है, संसारी जीव है, अपनी इच्छा को पूर्ण करने वास्ते राजे ने स्वर्ग लोग देखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पहुंचा तो फिर रहने का काबल नहीं रह सकते, देख कर वापस धक्का मार देता चले, धक्का मारिया तो शंकु ने अपने गुरु को पुकारिया तो हले कई
ਇਸ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਰਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਰਾਂ ਗਰੀਆਂ ਸੀ ਮਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਏ ਤਮ ਲੋਕ ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਕੇ ਬਚਨ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸੋ ਗਦਾਰਾ ਹੋਤ ਹੈ ਲੇਖ ਲਾਗ ਲਿਖ ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਪਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕਲਪ ਸੇ ਗਏ ਜਬ ਲੋਕ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਵਗਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਬਣੇ ਹੋ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਏ ਜਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਕੀ ਬਚਨ ਦੇ ਹੀ ਧਾਮ ਕੇ ਛਾਟ ਕਰ ਮਗਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਸੂਲ ਪਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਧਾਮ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਕਣਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਈਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਲੇ ਕਬੀਰ ਮਗਰ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਨਸੇ ਸਾਈ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਉ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਚਲੇ ਪਠਾਨਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲਾ ਪਰ ਪਰਵਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਮਗਰ ਦਾ ਨਵਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦਾਸ ਨਗਰ ਕੋ ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਯੁੱਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਜਗਤ ਚਲੇ ਮਗਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੀਨ ਰੋਜ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ ਰਹਮਾ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਖਦਾਈ ਰਾਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜੋੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰ ਭਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਨਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਛੱਡਿਆ ਨਦੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਅੰਮੀ ਨਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਘ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਘ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਮਤ 1575 ਕੀ ਆ ਮਗਰ ਕੋ ਕੌਣ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਰਲੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ 1575 1495 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਅਯੁੱਧੀ ਮਾਘ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਮੁੜੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਦਰਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਚਦਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ
पीठ के अंदर ऊपर ले गए और उधर एक पर्दा ला के लेट गए। कहने लगे कुछ देर बाद साडे शरीर कट के कुछ देर बाद साडे शरीर के बारे में कहा या नहीं क्या मैं नहीं कह सकता कि असी हूँ इसे शरीर छड़न लगे हाँ जब आवाज आऊगी तो पर्दा खुलना तो सारी संगत दुख विच भी है लेकिन क्या किया जा सकता है। हर कोई श्रद्धालु है हिंदू मुसलमान है देश हिंदू वगैरह है काशी नरेश है सभी रो रहे हैं लेकिन बाहर चर्चा शुरू हो गई। हिंदू कह रहे हैं कि साढ़े गुरु हैं मुसलमान कह रहे हैं साढ़े पीर हैं वो कहते असी सतगुरु का संस्कार करांगे वो कहते असी कबर में बैठ कर मावांगे अपनी नीति के अनुसार करांगे वो कह रहे हैं संस्कार करांगे। इस तरह चर्चा चलती चलती राजा के विच गर्मो गर्मी हो गई। आखिर अहलकार जड़े हैं वो भी गर्म हो गए एक दूसरे पासों हथियार कट रहे। सतगुरु कबीर साहब महाराज ने अंदर आवाज मारी कि जिस कार्य को करने वास्ते साडा इस धरती से अवतार होया जिस झगड़े को हिंदू मुसलमान के झगड़े को मिटाने वास्ते असीं इस धरती से आए इस मात लोग के बीच अवतार लेके आए 120 साल तक सानू सबू समझाते रहे क्या वही बात फिर तुम दोहरा कर सकते हो। मैं ना हिंदू हाँ ना मैं मुसलमान हाँ ना मेरा संस्कार होगा ना मेरा कबर मकरा शास्त्र करे सो हमारा दोनों दोनों दिन है वहां जोड़ी शास्त्र बांध लिए भाई मैं गाढ़े मैं जारन कही दोनों दिन अधिक दिन फिर वो कहते खबर में कटना है वो कहने जानना है कहा कबीर कही एक भाषा शास्त्र करे सो ताइए लगा जो साढ़े शरीर के बारे कोई शास्त्र चलाएगा साडा पुराण साडा नहीं होगा कोई शास्त्र चलाएगा नहीं किसी व्यक्ति शास्त्र करे सो ताही बुलाता शास्त्र करे सो हमारा तो ही ताकि पैर कसौटी हो जरा शास्त्र करूंगा साडा असं उसको अपना सेवक नहीं मानना तो बिजली खम सुन बिजली खम बात हमारी अंदरों आवाज आई हम हैं शब्द स्वरूप निराकारी हैं बिजली खान अजी शब्द स्वरूप हाँ वीर सिंह बघेला विनती कर रहे हैं हे सतगुरु तुम किस रूप मर हैं महाराज तुझे शब्द स्वरूप मरोगे किस तरह तुम्हारे शरीर का क्या होगा सानू हुक्म दो। तो सतगुरु जी कहते कि पर्दा खोलो पर्दा खोलिया गया कहा वहां चादर फूल बिछाए छिजिया साड़ी बड़े समाए उसे कहते चादर एक थले पई है शरीर की जगह फुल पे ताजे फुल टैक दे फुल शरीर की जगह पूरा शरीर उसी तरह फुलों का पड़ा ऊपर दूसरी चादर पड़ी है कहा वहां चादर फूल बिछाए शिजा शादी पदे दो चादर तो दीन उठाए ताकि मन कबीर ना पावे दो चादर तो दीन उठावे ताकि मन कबीर ना खुले खुल तहां अब तक फूल सुहासी मगर ओर और दौरा कासी अब तक रूप अलग निर्माणी तहां नीर शीर की अशानी तो क्या हुआ दोनों दीना ने एक एक चंदर अंत्य फुल बन लाए
एक ने कब्र बना के ऊपर मकबरा बनाया, बिजली खान पन्ना कोड़े जिसे सतगुरु ने कोड़ा छोड़ा था, उसे कोड़े ये मकबरा बनाया, दफनाए गए चदरों को, उसे कोड़े कोई मेरे ख्याल 100 फुट के कोड़े भी दूसरे के बीच नहीं है, अनेक दूरी है, तो जैसे तक इधर समाधि है इधर मकबरा है, अत्यधिक संस्कार करके समाधि बनाई गई, अत्यंत दबरा के मकबरा बनाया गया, दोनों की चुवार चार द्वारी के अंदर दोनों स्थान दिखाई दे रहे हैं, जिसे जाके संकट नमस्कार करती है सिद्धता का ही है। संत जुगल जुग जगत में पद प्रवाद है यार, गरीब दास कबीर हाथ कबीर सा महाराज अवगता अवतार है, और सतगुरु जी मंदीश्वर महाराज कबीर साहब जी की लीला के बीच ही एक लीला ऐसी भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक शिष्य धर्मदास जिस लीला बड़ी विस्तार के सतगुरु जी ने चाल की है, काशी से रहते हुए सतगुरु जी की दृष्टि हुई, बंधु करता एक धनी सेठ धर्मदास, धनी धर्मदास जिसमें कहा जाता था, जिस दिया सुपंजे शहर के लिए हुंडिया चलदिया लैन देन हुंडी सुपंजे शहर के उस समय धर्म धनीदास जरा बनिया था उसका एडा बड़ा सरमाएदार इन्ना बड़ा कारोबार था कि पैसे का व्यवहार बैंकों वाला सुपंजे शहर में उसकी हुंडी चलती थी, इतों पैसे जमा कराओ तो जगह लगाओ, एडा बड़ा धनी था, लेकिन इन्ना धार्मिक था कि बिरनाथ साधना की पूजा करता दिन रात, इस किसी ख्याल के हर समय पूजा पाठ के लगा देना, तो सतगुरु जी उसने चटान वास्ते उसका मार्ग ठीक करने वास्ते सतगुरु जी ने काशी में रहते हुए ने एक अटपटा जहा रूप धारण किया जिंदा जिंदा, वैसे मुसलमान फकीर मिले हैं बड़ा अटपटा जहा रूप सिर उत्ते पिटा पिटा जहा अटपटा बनिया हुआ वाल बना रहे हुए कुछ पर्दा टोपी लाई हुई टोला ऐसे तरह का जिंदा रूप विचित्र जहा रूप धारण करके धर जिंदे का रूप सैर जिंदा वर्ती कम मिले का अभ्यास इतने धर्मदास वृंदावन के यात्रा कर रहे सन, यात्रा के पैसा लेते सन, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपने कोल झोली के अपने पास काड़े खाकर रखे हुए कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अच्छे की जितने धर्मदास पूजा पाठ कर रहे थे तो जिंदा देवे सतगुरु जी बड़े वृंदावन के चले गए। बड़ी लंबी मानता है इसमें अगर मैं शुरू करता हूँ तो 2 घंटे का टाइम और लग सकता है, तो सतगुरु जी पूछते हैं बहरंगी बरियाम काम ने कामी सोई तर सतगुरु का रूप धनी उतरे, सतगुरु निंदा रूप के रूप धारण करके तो बरियाम पुरुष उतरे, परम उजागर ज्ञान ध्यान बहरंगी माना कहाँ मिले धर्मदास विचार 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 दिल मस्त हुए हुए धर्मदास मिल गए, कहन लगे पूछन लगे जिंदा रूप दे विच सतगुरु कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, ऐ स्वामी तुसी कितों आए हो कि थोड़ी जात है, पूछे पुरश कबीर कभी सी धर्मदास बोलते हैं हम वैष्णव बैराग धर्म में सदा रहा है, वैष्णव है से धर्म के सदा रहते हाँ, शूद्र में बैठे संग धर्म वैसे शूद्र निडरी भी मिलते शूद्र हथे गाने मिलते सुन जिंदा मन धर्म को अपनी वडियाई कर धर्मदास अदक आचार विचार हमारी करनी जो करे उतरे भगत मार कहते जरा साढ़े जिंदा से करनी कर रहे हैं, जे कोई ऐसी पूरा नहीं करे तो भव सागर तो पार हो सकता है, साड़ी करनी बड़ी पवित्र है। बोले कहीं कबीर सुन वैष्णव बैरागी कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए पड़ता है,
कौन को क्या कहाँ को कवर किया है, कौन तुम्हारी गैस के लिए तुम नाम दिया है, मेरे दस कितने रहने वाले हो, क्या थोड़ा धर्म है, कौन थोड़ा गुरु है, कौन ज्ञान ध्यान स्मरण है पाई, कौन कुछ की से कहाँ समाध कराई, उपवासक को पंड धर्म करो सदाई, सालक सेवक की बहुत अति मार है, कहते तुम्हें पारे हो चुकया होया, सालक सेवक जेडे इन्हें इकट्ठे किए हैं, ये केड़ी भक्ति है पढ़ी की ना तुमने इस भक्ति चलाया है, तो बड़ी चंडा बुद्धि प्रमाद को जारी बोले तनिक वीर भेद गयो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी, ये सारी गल का मैंने थोड़ा भेद तुम दसो। सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हमको पार लगावे ही परम जागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो सचमच, कहते कुछ ऐसे ऐसे धार्मिक पुरुष हो मैं भी पार लगा दो। कबीर साहब महाराज कहते के धर्मदास बोलते हैं बंधोगढ़ है काम नाम धर्मदास कीजे, वैश्य कुली कुल जात सूद नहीं बात सुनी जे सभी वैश्य बाणिया जी कुल है, धर्मदास साडा नाम है, बंधोगढ़ साडा काम है, सरगुण ज्ञान स्वरूप ज्ञान साधक की सेवा, मलागीर शरकंद संत सब गुरु सारे संतों की तुम पूजा करते हैं, तो सरगुण भक्ति के हमेशा मगन रहते हाँ, अड़सठ तीर्थ ध्यान अड़सठ तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग्राम तिल का भार चढ़ाए, कहते सालग्राम की पूजा करते हैं, सारे तीर्थों की असं यात्रा कीतिया हैं, रूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप करते हैं, रखते हैं शंकर से शंकर राम कृष्ण शंकर इन्हों का हमेशा असं जाप करते हैं, नेम धर्म से नेम स्नेह दुनिया से नाही आलुड़न पर राग और की मानना है, साढ़े कहते ऐसा धर्म है मैं दूसरे के मन में कोई चिंता प्यार नहीं, सुन जिंदे पम धर्म को वैष्णव रूप हमार असर के हम किए जीना सृजनहार, फिर सतगुरु कबीर साहब महाराज बोलते हैं बोले जिंदा बहन कहाँ से साल का है, ये साल के कुछ चक्के है कितों आए है किन्हें बनाया है, कौन सकता था मुझे कुछ काल बताओ, कहते अरसद केस जेने उन्होंने काम के दूर करते हुए काफी समय तक हमारा तनाव कर लिया, अगर धर्मदास जी कह लगे कि वो जरा तुम काम दसते हो कि कितने है मैं उसके बारे कोई पता नहीं, तो सतगुरु जी कहते अगर तू सही भक्ति के रूप में साढ़े उपदेश में मन लवे तो तेरी भक्ति जी हर सही मार्ग के विचार करे, बहुत लंबे उपदेश तो बाद धर्मदास जी मन गए, कह लगे सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते सब कुछ आए वो कह लगे तो सब कुछ करो तुम बंदे घूमते मनो की लौड़ इतने आने बहुत सवाल करते लेकिन आखिर भी धर्मदास जी मनते देख लिया उन्होंने कि बार बार मेरे दान वास्ते आए है निश्चय हो गया उस समय कबीर साहब महाराज लोक हो गए एकदम लोक हो गए अलोक हो गए, धर्मदास जी से खड़े खड़े रोन लग गए कि मैं एक रब लोग सेवा लिया ये तो मालिक को रब प्रभु परमात्मा मेरे मन में कर रहा मैं समझे नहीं मैं सवाल जवाब ही करता गया इस रब को मैं कितने गवा लिया आखिर आखिर क्या होया कि रोंदे रोंदे तोड़ते हैं वृंदावन तोड़ते हैं सब जगह तोड़ते हैं लगते नहीं है आखिर रोंदे रोंदे धर्मदास रोहत चले बंद होने रोंदे रोंदे अपने शहर में चले गए फिर रात परेशान हो गए
जो सदाबन में अपने को आए वो बादल था हम मन को कितने लंबा फिर मन में ख्याल आया पैसा बोलता को पैसा बोलता को कहने लगे अच्छा एक पैसा मेरा किस काम आऊंगा मैं सुनिया है तो जिंदा पति आए थे रब रूप साथ सारे संतान गलामा भोजन कराना भंडारा चालू कर भंडारा शुरू करता जो कुछ था वो सब भंडारे में चला ला के अनंत अनंत वेग टुकड़े के आहारी कहते नहीं युद्ध बन पाया उसे कहते अनंत के इकट्ठे हो गए तो भंडारा शुरू हो गया था अरदास करो उन्होंने बड़ी आस की इस भंडारे में जो महापुरुष साधन के मेरे मेरे ग्रुप में मिले थे वृंदावन के लेकिन नहीं आए और नहीं आए बहुत देर भंडारा चलता रहा लेकिन वो नहीं मिले तो सतगुरु जी कहते बंदीश्वर महाराज की वाणी में जानता है आखिर तक दादी हिम्मत हार गए रोने को रावण के पास कुछ नहीं मिलेगा जिनने महान पुरुष से सब आ रहे सब पर देखी जल्दी लेकिन वो जिंदा जो कि नहीं मिलिया रो रहे हम सारी संपत्ति भी सारी लगा दी थी कपट आने के बीच तो जब रो रहे हम बहुत बैराग बीच और रोते हमें नवसर गुरु कबीर साहब महाराज प्रकट हो गए कबीर साहब महाराज प्रकट हो गए प्रकट हो गए सदगुरु बंदीशोर महाराज की वाणी है दर्शन अदा जग मही जगदीश नाये धर्मदास गुरगत कर पाए अनंत पेट टुकड़े के आहारी बेटे नहीं जिंद व्यापारी कहाँ धर्मदास कल्प जब किरण तब बहुत परेशान हो गए रोन लग गए कल्प भी बेटे पर विनम वही जिंदे का बदसी रूप के बैठे कदम वृक्ष के किरण चंद दिए जिंदा मणि पाई से कल गाई इस तरह करते हुए जब मिल गए हो तो धर्मदास की कृपा उन्होंने की सतगुरा ने कहते अजर कर मन में प्रकाशा खोल पाठ दिए धर्मदास धर्मदास एक पाठ खोल देते दसमा द्वार का खुल गया उस भजन दरबार जब वो दर्शन होने लग गए तो खुले पाठ हट कट मानी संत कृत ज्योति बुलवाई सकल सृष्टि में देखा जिंदा जामन मन कटे सतगुरा सारी सृष्टि जिधर देखते हो ही जिंदा जो हमें दिखाई दे रहे हैं धर्मदास ने अपने कृपा से मिली कबीर साहब महाराज ने की थी तो मैं दस रहा था गरीब दास महाराज ने मानी के मगर कुछ जदों गए थे तो उत्तर शंख की कल्पना के नाल उसको पवित्र मनिया जाता था गरीब दास महाराज जी ने बड़े शब्द ही किया कि मगर में मरे सो जाए जब लोग लोग पालन किए वचन किए ही मुक्ति के धाम को साठ मगर गए साठा या बस अगर अनुभूत जब लोग जैसे करें चौदह मुकोर धर्मराज अपने दास महाराज जी कबीर साहब महाराज महिमा का जो कहते हैं अकल अनुभूत जब दूत जासे तरे चौदह कोट धर्मराज कंपे दास करीब कबीर सबके पति काल महाकाल नहीं सीम कंपे काल और महाकाल मेरे नजदीक नहीं आ सकता महाराज कबीर वाले जो जब दूत कभी कभी कहते सन कहते काल का क्या महाकाल भी साढ़े तेरे ऐसा साढ़े प्रति दसते सन कि सतगुरु जी कहते हैं कि काल क्या महाकाल भी साढ़े देखिए कि नहीं
ना सकता, वैसे पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार सतगुरु कबीर साहब महाराज की बाणी, उन्होंने बाणी गरीब दास महाराज की बाणी, उन्होंने जीवन चित्र के बारे छोटे 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 नजदीक नजदीक करके मैं मोटा मोटा दसिया है। शाम तो गरीब दास महाराज जी उसके अवतार उन्होंने लीला प्रारंभ होगी।